ये देखिए दोस्तों, हम हैं बांस की फैक्ट्री में और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैट्स इस टाइम पे सूख रहे हैं और हम चल रहे हैं वहाँ जहाँ हम एक बार पहले आकर जा चुके हैं। सामने सोमी कोहली अंकल हमें अपने हाथों से बैट चुन चुन के सिलेक्ट करवाते हुए, ये देखिए। और ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे धोनी की शूटिंग हो चुकी है MSD की, द अनटोल्ड स्टोरी। ये देखिए अंकल, ये देखिए अंकल, थोड़ा इस बैट के बारे में बताओ। रेंज देते हैं, वेट, बैलेंस कैसा, कैसे प्लेयर्स की लाइटिंग आजकल कैसा चल रहा है। तो अंकल आप खुद एक एक क्लेफ्ट को चेक करते हो? एक एक क्लेफ्ट को, जैसे इंग्लैंड से आती है, मैं वो भी दिखाता हूँ, एक एक क्लेफ्ट को चेक करते हैं, फिर बैट तैयार होने के बाद चेक करते हैं, जब फिनिश होगा फिर भी इसकी चेकिंग। अच्छा, और 4-5 टाइम इसको, और ये आप खुद करते हैं? खुद करता हूँ, खुद करते हैं। आज मुझे 35 ईयर्स हो गए ऐसे कर। क्या बात है, 35 साल हो गए, एक एक बल्ला मेरे हाथ से निकला है। क्या बात है। और अंकल जो 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 बल्ला आपने धोनी को दिया या तेंदुलकर को दिया, वो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। बस उनको पता है अंकल, जैसा आप प्यार दे दोगे उनको, यार फुली सेटिस्फाइड। उनको पता है अंकल, में हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि मैंने चार बल्ले भेजे, चारे ही अच्छे लेकर, कभी ऐसा भी होता है कि किसी बैट का शूट नहीं निकलता। ओके, नेचुरल प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, दो बल्ले तो एक बहुत बढ़िया भी निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। पार्टी नहीं चाहिए थी अंकल। अंकल क्या कह रहे थे आप, एक बार प्लीज रिपीट करोगे? ठीक है, तो वेयर एज कपिल देव उसके भाई नेचर में कितना फर्क है। बिल्कुल सेम विद द वुड, सेम विद द मेरी हाइट और कपिल देव ऑल नेचर, दिस इज सेम विद द सेम नेचर। अगर बाई नेचर लाइट वुड होगी तो उसी का लाइट वेट बैट बनेगा। अगर लाइट वेट नहीं होगी वुड तो हम उसको पतला करेंगे। हम जो पंजाबी में बोलते हैं या मतलब की एक लैंग्वेज बोलते हैं पाची, पाची का मतलब जो लेडीज थापी, मतलब आज का तो लोगों को, यंगस्टर्स को पता नहीं, कपड़े धोने वाली थापी इसको बोलते हैं। वो वुडन की वो होती थी ना, उससे ऐसे कपड़े धोते थे, ऐसे करती तालाबों के नज़दीक, आज भी गांवों में वो चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अंकल का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें, जैसे ये इस पे इसका वेट लिखा हुआ है 1105 ग्राम, तो अंकल ये कहना चाहते हैं कि अगर इसको पतला करना है या तो नेचुरली क्लेफ्ट में से पतला निकलेगा या हमें पतला करना पड़ेगा, और अगर पतला करेंगे तो बैट कमजोर हो जाएगा। ना ना ना, ना ये गलतफहमी है। अच्छा, सॉरी, कमजोर नहीं होता। देखो ऑस्ट्रेलिया में हम बैट भेजते हैं, वो थिन बैट्स होते हैं। ओके, लेकिन प्लेयर्स के दिमाग में है कि मुझे मोटा भी चाहिए, लाइट वेट भी। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। आप इसको दिमाग से निकाल दो, पतले बैट से भी 200 लग सकता है। दोस्तों कितनी बड़ी लर्निंग है ये, आज हम यहाँ पे बैट सिलेक्ट करने आए हैं और अंकल हमें कितनी अच्छी लर्निंग दे रहे हैं कि एक वहम है लाइट वेट बैट से खेलना या पतला होना कि पतले से बैट टूट जाएगा या सेंचुरी नहीं लगेगी, रन नहीं लगेंगे, सिर्फ एक वहम है। वुड इज द सेम, इंग्लैंड हाँ। से आई है, वो भी इंग्लैंड से आई, मतलब किसी भी पतला बैट भी इंग्लैंड से बनता, मतलब वही वुड का मोटर। हाँ। मेरे ओपिनियन के मुताबिक कोई नहीं, अगर बॉल पतले बाज अगर वुड होगी तो उससे भी बॉल बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। सिर्फ टाइमिंग टाइमिंग और टेक्निक सही होनी चाहिए, सही आपका दिमाग का वहम दूर होना चाहिए। सही बात है, सही बात। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम सोमी कोहली अंकल के साथ हैं और अंकल हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं अभी बैट सिलेक्ट कराने में, खुद हमारे साथ चल के हमें बैट्स दिखा रहे हैं। कितना आप सोचिए, जो इस बैट से खेलेगा वो कितना लकी होगा उस बैट को लेने के बाद, कि हैंड पिक में भी अंकल आके हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा आप ये बैट लो, इस वेट कैटेगरी में लो, लाइट वेट लो। उसका जैसे अभी हमने शेयर किया कि अगर लाइट वेट बैट है, पतला भी है, तो भी उसका कोई लॉस नहीं है। आपकी गेम अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों एक छोटा सा क्लिप हमने बनाया था, एक मर्ज करके आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय। माइन्यूटली चेक कर रहे हैं अंकल। और दोस्तों ये देखिए, ये बैट्स अंकल माइन्यूटली चेक कर रहे हैं, क्वालिटी ग्रेडिंग हो रही है यहाँ पे कि कौन सी क्वालिटी का बैट है, कहाँ बारीकी से इतने प्रोसेस से निकलता है। देखो कितनी मेहनत है यहाँ पे अंकल की, और एट दिस एज मतलब ये कितना हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज से कि इस एज में आकर भी अंकल खुद एक एक काम को कर रहे हैं, एक एक वर्कर के ऊपर निगाह है, पूरी फैक्ट्री को खुद रन करते हैं।
ऑल्दो अंकल की फैमिली अंकल के बेटे अंकल के साथ हैं, बट जो माइन्यूटली जिस बारीकी से अंकल ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, अमेजिंग। बहुत कुछ है आज की यंग जनरेशन के लिए, लर्न करने के लिए कितना कुछ है, सीखने के लिए कितना कुछ है। कि सीनियर सिटीजन होते हैं होने के नाते, हाँ अंकल थोड़ा जोर के बोलो, सॉरी, सीनियर सिटीजन के होने के नाते आप क्रिकेटर्स और यंगस्टर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए प्रमोट, जो कि देश का नाम रोशन करके, वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं सीनियर सिटीजन जरूर हूँ, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मेरे ही ये, मैं नहीं, इन बैटों को सिलेक्शन करके कि कोई यंगस्टर पता नहीं कहाँ देश का नाम रोशन करेगा, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितने समर्पित हैं अंकल इस गेम के लिए, आप ये समझ सकते हो दोस्तों। बल्लाकर मुझे खुशी होती है कोई बच्चा आगे निकल कर रहा है, खूब खेलो, बढ़िया खेलो, अच्छे तरीके से खेलो और देश का नाम रोशन करो। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एज ए सीनियर सिटीजन कि इन हाथों की सिलेक्शन से एक बच्चा देश का नाम और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ल्ड में भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहा है, इससे उम्र का खुशी क्या हो सकती है। देश प्रेम, देश प्रेम। 45 का 50 भी टेम्परेचर हो, मैं बच्चों के लिए हाजिर हूँ, एक एक बल्ला अपने हाथों से सिलेक्ट करके जब तक जान है जहान है करता रहा। दोस्तों इसमें तो खैर नहीं है कि अंकल ने कहा ना, चाहे 45-50 टेम्परेचर हो, हम अभी आए हैं और टोटली हम अनप्लैंड आए हैं, लेकिन अंकल ने सारे काम छोड़ दिए और हमें अच्छे से अटेंड किया। आपके सामने है, आप देख पा रहे हो कि अंकल हमें कितने अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, हमारी कितनी, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आकर, जो कि वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता दोस्तों। और अब हम हैं वैम्पायर बास के लेदर गुड सेक्शन में, और मेरे अभी तक अंकल को मैंने बताया नहीं है, मेरे एक अंदर क्वेश्चन आया है, वो मैं एक फीलिंग अंदर अंकल की जानना चाहता हूँ। अंकल, वैम्पायर फ्रॉम वन बेड टू वैम्पायर एक मेंशन, कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया फील होता है, जैसे एक क्रिकेटर इंटरनेशनल खेलता है, पहले वो बिगनर होता है, अंडर 15 रणजी खेलता है, जब इंटरनेशनल इंडिया टीम में आता है तो क्या फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग हमारे साथ, क्या सीना चौड़ा हो जाता है। और सचिन भाई, अंकल की बातों से जो मुझे एक चीज पता लगी है, अब अंकल के लिए वैम्पायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड है। यस, और कुछ नहीं है, पैसा पूछो से बहुत ऊपर है अंकल। पैसा तो एक मिनट, दोस्तों एक मिनट, मैं अंकल को का पूरा लुक दिखाऊंगा, साहिद भाई एक मिनट साइड होए, अब मैं अंकल को दोस्तों नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आउटलुक दिखाऊंगा, तो आप देखिए सिंपलिसिटी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, सी दिस लेजेंड गाय, ये अंकल, ये सिंपलिसिटी है दोस्तों। अगर पैसे का घमंड होता तो अंकल यहाँ ना खड़े होते, अंकल के साथ चार बॉडीगार्ड खड़े होते और अंकल पूरी एक उसमें होते कि आते ही ना यहाँ, या हमारे से ही ना मिलते। दोस्तों हमने अंकल के साथ अभी लस्सी शेयर करी है, दही शेयर किया, अंकल ने मेरे लिए दही मंगा के खिलाया मुझे, और इतने प्यार से खिलाया कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जस्ट लाइक फादर फिगर टू मी। और दोस्तों एक बात और आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में, मैं आपके साथ एक चीज बहुत खास शेयर करूंगा, अंकल अपने घर से कैसे आते हैं, ये एक सरप्राइज है, ये एंड में दिखाऊंगा आपको, दिखाएंगे हम, बने रहना आप हमारे साथ, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। आज ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं रिवील करूंगा कि अंकल कितने सिंपल हैं, किस मर्सिडीज, ऑडी, BMW या हेलीकॉप्टर में आते हैं घर से, ये हम आज आपको दिखाएंगे। जहां हम अंकल की ग्रेटनेस की, अचीवमेंट्स की, फ्रॉम यू नो वन बैट टू दिस मेंशन की बात कर रहे हैं, मैं अंकल का एक इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता हूं, जो पर्सनली मैंने फील किया आज। आज जब अंकल के ऑफिस में हम लोग बैठे थे तो जिक्रों में पापा की बात चली मेरे, जो आप लोगों को पता है अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुए, मेरे आंसू नहीं रोक पाया, और कम से कम अंकल ने मुझे 1.5 से 2 मिनट तक गले लगा के रखा, और आज 2 महीने बाद मुझे दोबारा अपने फादर की हग फील हुई अंकल से। सही बात। थैंक यू सो मच अंकल, ये है अंकल का प्यार वाली। थैंक यू सो मच। बाप होता है, चाहे बेटा मिनिस्टर भी बन जाए, देश का मालिक भी, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जो बाप है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात। और सिचुएशन में जब बाप का एक बहुत सहारा सबको होता है, मैं भी, कोई भी बच्चा, उसका बाप एक उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है,
उसके चले जाना है के लिए, मतलब सबको बहुत दुख होता है, लेकिन जो फीलिंग बाप की, मतलब कि भाई साहब को इस समय सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अभी मैं इनको बैग दिखा रहा, लेकिन इनका ध्यान अपने पिताजी की तरफ, आज मेरे फादर साहब होते थे मैं उनको ये चीज़ दिखाता है कैसे बैग बनता है, क्या होता है, सही हर चीज़ उनके साथ डिस्कस कर सकता था, लेकिन वो आज फीलिंग इनके ये इन, मैंने इनको देखा कि अपने आंसू नहीं रोक पाए, किस बार बाप का जाना भगवान ना करे। मैंने कहा मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मैंने कहा कोई इंसान को इस दुनिया में जाए ही ना, मैं तो यही दुआ करता हूँ सदा इस दुनिया में रहे। एक चीज मैं इसको एंड अप करने के लिए बोलूंगा, जो इंसान जितना ऊपर जाता रहता है ना, उनका दिल उतना ही मुलायम साफ बटर की तरह होता है। थैंक यू। तो इस मूवमेंट को चेंज करते हैं हम। अब अंकल ने यहाँ पे एक चीज मंगा के रखी है, हम इसको देखते हैं और अंकल से सुनते हैं अंकल की जुबानी की क्या है। ये देखते हैं ये क्या है। ये एक नीले कलर का बांस का पैड है, लेग गार्ड है। अंकल बताएं क्या है। इंडिया कलर का लेग गार्ड है, जो एमएस धोनी जैसे बोलते हैं वो भी यूज करते हैं। इंडिया कलर लेग गार्ड, ओके ग्रेट। जैसे आप देखते हो 20-20 और 50 ओवर्स के मैचेस होते हैं, टेस्ट में तो व्हाइट होता है, कलर लेग गार्ड है, 20 हो तो 50 ओवर्स में ये इंडिया कलर ब्लू कलर का लेग गार्ड है, प्लेयर्स यही यूज करते हैं। एमएस धोनी भी ये देखो, ये एमएस धोनी इस पैड को यूज करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम स्टाइल एमएस धोनी यूज करते हैं और बहुत डिमांड भी है हमारे पास इस पैड की। अंकल ग्लव्स कौन सा यूज करते हैं धोनी, वो भी दिखाएंगे एक बार। ये बैटिंग ग्लव्स है जिसको कि एमएस धोनी यूज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो बैटिंग ग्लव्स हैं, एक्चुअली ये वही बैटिंग ग्लव्स हैं, ये वही हैं अंकल, बिल्कुल सेम सेम ग्लव्स है जिसको धोनी यूज करते हैं, फिटनेस के एज पर हिज फिंगर्स, उनके हाथ से जैसे भी कोई मैन साइज यूज करता है, कोई स्मॉल मैन यूज करता है, कोई यूज करता है, कोई बॉय साइज करता है, हर प्लेयर का अपना अपना साइज है, तो एग्जैक्टली धोनी यही ग्लव्स यूज करते हैं। सो प्योर शीप स्किन का ये ग्लव्स है, इसकी जो पाम है शीप स्किन है, प्योर शीप स्किन है, वेरी बड़े कम्फर्टेबल है ये ग्लव्स, और इसको पहनने में आपकी ऑटोमेटिकली ग्रिप बन जाती है। ओके इसकी ये खूबी है कि आपकी ग्रिप जो है वो ऑटोमेटिकली, इसको जब आप पहनोगे इसकी लाइफ नो डाउट के कम होती है, लेकिन ये इजीली ग्रिप देखो, ये देखिए थिकनेस है, फाइबर है, सब कुछ, लेकिन हाउ द फीलिंग ऑफ दिस ग्लव, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों अभी चीज छोटे छोटे क्लिप्स और मूवमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे अंकल के साथ। दोस्तों ये हम आ गए हैं ग्लव सेक्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लव्स रखे हुए हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, ये मैम ग्लव्स बना रहे हैं, यहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा कौन सा, ये देखिए अंकल थोड़ा थोड़ा इस पे भी ज्ञान हो जाए, जैसे ये ग्रिप के लिए अच्छा, जैसे नॉर्मली ग्रिप जैसे ना हुई हुई है, प्रॉपरली हैंडल स्लिप नहीं करेगा, ये लेदर स्लिप नहीं करेगा, इसको पीटा लेदर होगा। और एक बास क्लासिक के नाम से एक ग्लव आता है, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये इंडिया में भी मिलते हैं अंकल? हाँ इंडिया में मिल जाएंगे, ये एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्लासिक बहुत बढ़िया, इसमें फिर लोग अभी ये देख सकते हैं, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, देखिए ये ऐसा आ जाएगा, ये देखिए आप, देखिए ये देखो अभी कैसा हो रहा है, इसमें सब पैडिंग पूरी, अभी अभी ये कैसा है और ये बनने के बाद कैसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का सफर, हाँ यहाँ से यहाँ का सफर, ये देखिए। दोस्तों ये मैं वो दिखा रहा हूँ जो अंकल रेडी हो रहे कॉलेज जाने के लिए, ये लो ये देखो, ये दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था अंकल, आज भी इस अंकल ये कौन सा मॉडल है, 1986 मॉडल CD100 हीरो होंडा, ये है अंकल का ऑडी, BMW मर्सिडीज जिसपे अंकल घर से आते हैं, सी दिस मतलब अंकल की का प्यार देखो, कितने सिंपलिसिटी है अंकल की, ये देखो ये देखिए ये भाई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रोल्स रॉयस है, ये अनमोल है, ये सीरियसली अनमोल है, ये वो तोहफा है। और अंकल एक राइड लेके दिखाओ, चलो ये देखो एक किक हाफ किक में स्टार्ट, अंकल ऐसे घूम के इधर आ जाओ चाहे, ये देखो दोस्तों क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अंकल, ये लो दोस्तों
ये आप देख सकते हो मैं बिल्कुल बीट ऑल स्पोर्ट्स के बाहर हूँ और अंकल ऐसे बाइक चला रहे हैं जैसे कि कोई नौजवान बाइक चला रहे हो। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों सी अंकल अपने एक वो कहते हैं ना, एक तो मैंने बताया कि मुझे बन नहीं बताना होता है, आप इस बाइक के बारे में आपके क्या इमोशंस है? अंकल कह रहे हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं इसी में आता हूँ, बच्चे बहुत जोर लगाते हैं गाड़ी पे जाओ गाड़ी पर, लेकिन मैं इसी को चलाता हूँ। और एक बार ये मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, एक बार ये चोरी हो गया था मेरे घर से, कोई उठा के ले गया। अच्छा, चोरी हो गया था? हाँ, तो मैं सारी रात सोया नहीं। थोड़ा लाउडली बोलो अंकल, थोड़ा सारी रात सोया नहीं तो मेरे को नींद नहीं आई। अच्छा, अटैचमेंट है इसके साथ, इमोशनल मतलब सेंटीमेंट्स जुड़ी हुई है। तो मैंने जब इसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया, मैंने तो बोला कि ये तो मेरी रानी है जो कि आज चोरी होगी, कैसे भी है मुझे ढूंढ के दो। तो मेरे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, श्री केरी भंडारी, जो बीजेपी के MLA थे, विधायक रह चुके हैं, और वो उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी उधर डिवीज़न नंबर जैसे पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, कहते जी वो मेरे छोटे भाई हैं, उनका मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे, बड़े भाई बोला उन्होंने कि ऐसे ऐसे उनका मोटरसाइकिल, यार कैसे भी है इस गाड़ी को ढूंढो यार, उनकी सेंटीमेंट्स और इमोशनल इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो नहीं रह सकते। लेकिन नो डाउट कि मैं सोया नहीं दो दिन, नहीं नेक्स्ट डे। तो ऐसे फिर रास्ते में कोई ऐसे कोई ले गया होगा शैतानी की या कैसे है, मुझे नेक्स्ट डे 12 बजे के करीब ये मुझे घर के पास से मिल गया। वाह वाह, माई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। बच्चे लोग मेरी फैमिली बोलते हैं भाई इसको छोड़ो आप कोई नया गाड़ी रखो, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। बच्चे बड़े खुश थे, मेरी फैमिली सारी इतनी खुश थी, मेरे लेबर के सब बंदे अब बहू जी इसको छोड़ेंगे, लेकिन गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट ने मतलब मेरा साथ दिया, महारानी ने मेरा माता का माता जी ने मेरा साथ दिया। और ये तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हम अभी बीट ऑल स्पोर्ट्स यानी बास की फैक्ट्री जहाँ पे धोनी की शूटिंग भी हो चुकी है, हम वहाँ पर आए हुए थे और अभी हमारा सामान यहाँ से गाड़ी में लोड होने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोड। दोस्तों ये यहाँ पे थे हम बास की फैक्ट्री में, अब हम चले हैं ग्रे निकल्स की फैक्ट्री में बैट पिक करने। चूज हमने कल कर लिए थे बीट ऑल स्पोर्ट्स। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मैंने दिखाया है आपको ऐसे दिखाया चूज सॉरी ऑलरेडी तो, और अब हम जा रहे हैं ग्रे निकल्स की फैक्ट्री में। कल हमने वहाँ पे बैट सिलेक्ट कर लिए थे, आज हम उनको पिक करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो हमारी गाड़ी भर चुकी है बैट से, पीछे देख सकते हो आप बहुत सारा सामान हमारी गाड़ी में है। और दोस्तों अभी ग्रे निकल्स और DSC और GM को लोड कराना है। DSC GM हमारी वेट कर रहा है, ग्रे निकल्स हमारी वेट कर रहा है, उनके क्लिप्स भी हम ऐड करेंगे इसमें। राइट डियर साहिल भाई, तो अब निकल पड़े हैं हम ग्रे निकल से, सारा बैट्स पूरा स्टॉक पीछे सचिन भाई दिखा रहे हैं आपको, पूरा भर चुका है। और आप सोच रहे होंगे अब गाड़ी भर चुकी है, नहीं पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अभी DSC GM और हाँ DSC और GM के बैट्स भी अभी इसमें आने बाकी हैं। दोस्तों ये हमारी XUV है बट हमने इसको ट्रक बनाया हुआ है। तो पिक्चर अभी लास्ट सीन देखेंगे, उसके बाद हम कहाँ खाना खाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा कहीं ना कहीं आज। सी यू देयर सून। हाँ जी भाइयों, अब आ गई दुविधा की घड़ी। अब दुविधा की घड़ी क्या है वो बताता हूँ कि बल्ले तो बहुत सारे रख लिए, बट जो ये कि लालच है ना कि सारे बल्ले आज ही लेके जाने खुद ही, तो आपको दिखाते हैं एक मिनट। अब नहीं नहीं नहीं, आप यही रहे सचिन भाई जरा ऐसे, ये देखिए सचिन भाई, और ये हमारी गाड़ी, और जगह नहीं है, और अंदर तक दिखा के लाएं जरा। ये देखिए दोस्तों जद्दोजहद ये चल रही है कि सामान कहाँ रखे, सामान ये बचा अभी भी, और अभी ये थोड़े से बैट बचे हैं और एक बॉक्स, ये सारा बॉक्स खुलवा दिए हैं, यहाँ ये सामान पड़ा है, एक वो अंदर बॉक्स पड़ा है वाइट वाला। सो आपके लिए अपने दोस्तों भाइयों के लिए कोशिश है कि ये जो लास्ट बैट वाला बॉक्स है ये हम लेके आए। सो गाड़ी आप देख कहाँ गया, गाड़ी आप देख पा रहे हो घचा घच भर चुकी है,
और सचिन भाई ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, और आज अगर हम लोग विजयी रहे और जो हो जाएंगे, उम्मीद पूरी जाग चुकी है, सारे बैट्स आ चुके हैं। हमें पता है कल हमने कहा है सबने बैट्स देखने हैं, तो कमिटमेंट है आपकी तरफ, तो आप ये गाड़ी का हाल देख लीजिए। सचिन भाई कुछ कहना चाहेंगे, इधर देखिए आप जरा, ऐसे रख है। फिलहाल तो ये कहना है भाई कि भाइयों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारा प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, थैंक यू सो मच। तो आखिरकार जीत हुई संकल्प की, और हमारी गाड़ी में सारे बैट्स आ चुके हैं, थैंक्स टू हमारे ये वाले भाई को भी, हेलो करो भाई। तो 36 घंटे की जर्नी हो चुकी है अभी तक, 6:30 हम परसों चले थे और इस टाइम 7 बजने वाले हैं यहाँ पे, कल सुबह 6:30 बजे, हाँ सॉरी कल सुबह 6:30 चले थे और इस टाइम पे शाम के 6:30 बजने वाले हैं। और जर्नी कहाँ से शुरू थी, कई बार ये बात याद आती है कि भगवान स्क्रिप्ट लिख रहा है, कहीं ऐसी जगह से बैट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे बैट्स मिल रहे हैं, ये क्लियर पता लग रहा है कि आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोगों का जो हमारे प्रति विश्वास है ना, तो शायद कायनात जुड़ गई है वो सारे एक चीजें पूरी करने में। ऐसे बटाला से बैट पहुंचे यहाँ पर, और बास से बहुत ब्यूटीफुल बैट्स मिले हैं, ग्रे निकल से पहली बार हम खुद लेके आए बैट्स, तो नहीं तो हम कुरियर करवा देते हैं बैट्स को। सो ओवरऑल अगर मैं पूरा एक वो सोचे, सचिन भाई थक तो गए हैं बट एक सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत है, कोई शक नहीं है इसमें दोस्तों, थकावट बहुत ज़्यादा है, ना ही 2 दिन से प्रॉपर खाना खाया है, गाड़ी को ऐसे भर लिया है तो वो एक्सयूवी, तो मुझे फीलिंग हो रही है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कंडक्टर हूँ और नहीं कंडक्टर भी हूँ साथ में, क्योंकि सामान सारा ठूस ठूस के भरा है हमने तो अभी एक बॉक्स रह गया दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ लेदर गुड्स हैं, बैट हमने एक भी नहीं छोड़ा, चाहे वो कश्मीर विलो है, चाहे वो मिडलर है, चाहे वो कैचिंग बैट है, और चाहे वो इंग्लिश विलो हमारे दिल की धड़कन है, 6 नंबर हैरो, चाहे वो 6 नंबर है, चाहे वो हैरो साइज है, सब गाड़ी के अंदर है। क्यूरियोसिटी है आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की, तो कल सुबह शायद ये वीडियो कल अपलोड होगी, जो जिसका हम अभी सम अप कर रहे हैं, उसके बाद एक वीडियो बनेगी, अनबॉक्सिंग की नहीं बनेगी अभी, एक वीडियो जहाँ खाना खाएंगे वहाँ पे बनाएंगे, खाना खाएंगे बढ़िया सी जगह, ठीक है, वहाँ आपको फाइनल गुड बाय करेंगे दोस्तों, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, बजे हैं रात के 10, एट लास्ट वी हैड ए वंडरफुल डिनर, बहुत ही बेहतरीन खाना हमें खाने को मिला। अभी हम पहुँचे हैं एग्जैक्टली, अगर हम जगह का नाम लें तो बलाचोर, बहुत ही फेमस एक ढाबा है यहाँ पे, होशियारपुर की हट्टी, और इसकी बर्फ़ी और बेसन की बर्फ़ी मिल्क केक बहुत टेस्टी होता है, बहुत फेमस है, तो हमने अपने घर के लिए बेसन की बर्फ़ी भी ली है, मिल्क केक नहीं बचा था और सारा बिक चुका था, और अभी रात के 10 बज चुके हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट हमें डेढ़ घंटा अभी घर पहुँचने में लगेगा दोस्तों। सो भाई लोग वापस आते ऐसा मूड भी आ गया था कि अब दोनों को नींद आंख लगने लग रही थी, तो रोक के गाड़ी फ्रेश हुए हैं सचिन भाई को, तो मैं कहा फेस धो, थोड़ा ड्राइव करना है आपने, तो क्योंकि परसों से कल सुबह से 6 बजे से निकले हुए, एंड इट इज़ 10:30 इन द नाइट, और स्टिल अभी हमारा घर आधा घंटा दूर है यहाँ से, सो बहुत नींद आ रही थी दोनों को, तो एक हॉल्ट लिया है हल्का सा, तो सोचते चलो भाइयों को वीडियो बना लेते हैं, आपसे इंटरेक्ट हो जाएगा, और एक सफ़र का एक यादगार पल ये भी कि नींद आते आते कैसे हम अपनी नींद को उड़ा रहे हैं, और बस मिलते हैं भाई लोग, अब फ्रेश है सचिन भाई, स्माइल। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं, और अभी मैं साहिल भाई को ड्रॉप करने लगा हूं उनके घर के लिए, और इसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। दोस्तों ये सफ़र बहुत खास रहा, बहुत अच्छा रहा, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो सामान जो बैट्स हम लेके आए हैं, जो और क्रिकेट का के गुड्स हम लेके आए हैं, वो आपको दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत 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 ज़्यादा कहते हैं ना वो, कि आपको दिखाने के लिए हम वो
आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये एक्सपीरियंस, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्लिप्स हमने बनाए थे, इन क्लिप्स की एडिटिंग होगी और कोशिश करेंगे कि कल हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पाएं। आज 3 जुलाई है, 3rd of July 2021, कोशिश करेंगे 4 जुलाई 2021 को हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। और जो भी मटेरियल, जो भी बैट्स, जिस भी ब्रांड के बैट्स हम जो लेके आए हैं वो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे बैक टू बैक। सो दोस्तों, साहिल भाई आपको गुड नाइट बोलना चाहेंगे। गुड नाइट मेरे भाइयों, थैंक यू पूरे सफर में साथ रहने के लिए, लव यू ऑल। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत खास है, इससे पहली वीडियो भी बहुत खास थी।